पहुंची है यूपी का मूड जानने के लिए सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में। बिहार से लगता इलाका है, जंगलों का राज है, मूड क्या कहता है बताते हैं हम आपको। मूड तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जब तक हमारे गांव में कुछ विकास हुआ नहीं है, यहाँ के विधायक कोई ध्यान देते नहीं है। बीजेपी है, हुआ है कुछ? हाँ, हुआ है। विधायक थोड़ा अच्छा से कार्य करें और हम लोग विधायक जी को फिर से लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हम लोग के गांव में कुछ ऐसा काम है कि रुका हुआ है और बाकी सब कार्य सही से हो रहा है और नरेगा वरेगा काम चल रहा है सारा। इसके देखते हुए हम लोग सोचते हैं कि एक बार फिर से विधायक जी को मौका दिया जाए। मूड का बना था, बढ़िया काम मिल रहा। बेरोजगारी मेन है कि जो नवयुवक हैं अभी ऐसे ही टहल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। इसकी ज़रूरत है कि नहीं रोज़गार इनको मुहैया कराया जाए, नहीं तो ये थोड़ा सा नवयुवकों में ये चीज़ है। बदलाव के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो जनता के ऊपर है, लेकिन कुल मिलाकर के जिसको महंगाई और बेरोजगारी नज़र नहीं आती है वह या तो बहुत अमीर व्यक्ति है या तो दिमाग से पैदल है। मूड हमारा बहुत बढ़िया है, योगी जी फिर से आएंगे और हमारे विधायक सबसे अच्छे हैं, भूपेश चौबे जी बहुत सारा काम किया है, उनसे अधिक कोई समझ देने वाला नहीं है विधायक अभी तक। सब कुछ सही है यहाँ पे, सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, वही बस थोड़ी बहुत दिक्कत है, नहीं सब सही है। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र सोनभद्र का अगर आप इसकी बात करते हैं तो राजनीति 2012 में सपा का कब्जा था, 2017 में भूपेश चौबे यहाँ जीते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ तीन तीन बांध है और नगला और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पानी से जुड़ी चल रही है, बावजूद इसके यहाँ सिंचाई की समस्या है किसानों के सामने, वन क्षेत्र है, कटान की समस्या है। राजस्व के लिहाज से तो सोनभद्र बहुत ऊपर आता है, जिसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट्सगंज का भी है, लेकिन लोगों की समस्याएं बनी हुई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने चंद्रकांता देखा है नौगढ़ विजयगढ़, तो विजयगढ़ का किला यहाँ पाया जाता है, वहाँ भी टूरिज्म स्पॉट डेवलप हो सकता था जो इतना डेवलप आज नहीं है। ये देखिए सामने दिख रहा है, हाँ यही है बीजेपी गवर्नमेंट की, यही काम है, इतना खूबसूरत काम। 4.5 साल में रोड पे 4.5 फीट गड्ढा हो गया, और अगर आपको देखना हो तो चलिए मेरे साथ पैदल मैं दिखाऊं क्या स्थिति है रोड की। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, किसान जो है कम मूल्य पर गेहूं और धान बेच करके कैसे अपना भरपाई करे। परेशानियां थोड़ी मोड़ी जो हैं भी वो धीरे धीरे दूर कर दी जाएंगी, लेकिन विधायक जी का यहाँ बहुत ज्यादा ही सहयोग रहा है हर काम कराने में। विकास कार्यक्रम है, आज सड़क टूटेगी कल फिर बनेगी, नाली आज टूटेगी फिर बनेगी, आजीवन के लिए ये व्यवस्था नहीं है। अरे क्या काम हुआ, कुछ नहीं काम हुआ रसाना में, नहीं अच्छा। तो यूपी का मूड सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में क्या कहता है ये आपने देख लिया, और अब आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी जहां संभल के चंदौसी सीट का मूड क्या कहता है आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में, मैं हूं आपके साथ प्राची पारोशर, और आज ट्रैक्टर पर मेरा ये सफर जा पहुंचा है संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट पर, जानने के लिए क्या है चंदौसी के मुद्दे, समझने के लिए क्या है जनता का मूड। तो आइए चलिए मेरे साथ विधानसभा के इस सफर। क्या मूड लग रहा है चुनाव को लेकर? बढ़िया मूड लग रहा है, जो दिल में है वो दंगे वोट किसी से। कौन है दिल में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों है? अखिलेश यादव क्या मुद्दे हैं? हमारे मूर्ति अच्छी लगती है। हाँ, योगी भी? योगी दोनों। हाँ अच्छा, किस लिए अच्छे लगते हैं, क्या उन्होंने किया आपके लिए? हमारे अच्छे नहीं लगते हैं, गुंडागर्दी कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, हम अपनी मौत से ले रहे हैं। परिवर्तन होना अनिवार्य है। क्यों है परिवर्तन? जैसे गांव में गैया भैंसियाँ बेच छोड़ रखी हैं, बच्चे उन्हें रखाते रखाते लोग परेशान। हम तो मोदी को जिताएंगे, हम तो बीजेपी के हैं। और योगी आदित्यनाथ? योगी तो है ही उसमें ही, बीजेपी में। गरीबों को अन्न फ्री दे रहे हैं और उनको 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दे रहे हैं, और क्या उन्हें घर में थोड़े बिठा रखेंगे अपने पास। खराब बनेगी और गारंटी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे महंगाई नाश कर दिया, दुकानदारी का नाश कर दिया, कारोबार पट कर दिया बिल्कुल। चुनाव को लेकर के पूर्ण बहुमत से आए ना आए, लेकिन सीटें सबसे ज्यादा ले जाएगी बीजेपी।
बीजेपी का, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ क्यों आनी चाहिए? बढ़िया काम करा है बीजेपी की सरकार ने, जो करा है वो कोई नहीं कर पाया ना करे, बहुत बढ़िया काम करता है बीजेपी। चोरों से बचाव हो गया हमारा, पहले चोरियाँ ज़्यादा होती थी अखिलेश के ज़माने में, अब ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश का लग रहा है योगी, उन्होंने विकास ही बहुत करा है, सबके साथ एक समान, सबके साथ विकास करा है, सब कुछ करा उन्होंने। बीजेपी तो कभी नहीं आएगी जिंदगी में, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बीजेपी का कुछ है ही नहीं, अब तो खत्म हो गया खेल। उनको झूठ बोलने का जो वादे थे सब वादे हो गए झूठे। क्या झूठे वादे किए? झूठे वादे 15 लाख रुपए आगे बोल आए आज तक, और ने झूठे वादे सब उन्होंने किया क्या है? बीजेपी आ रही है 100%। लग रहा है क्या काम किया उन्होंने? क्यों कौन सा काम ना किया है? योगी और मोदी की जोड़ी दोनों की सलामत है, और जब तक दोनों रहेंगे देश आजाद और खुश रहेगा। चंदौसी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 2017 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, गुलाब देवी यहां से विधायक चुनी गई थी। यहां के अगर जातीय समीकरण को देखें तो यूं तो संभल जिले में बहुतायत में यादव समुदाय है, लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो यहां दलित वोटर्स ज्यादा हैं, और मुस्लिम और दलित को अगर मिला दिया जाए तो कुल आबादी की 50% होता है। हालांकि सवर्ण जो यहाँ पर जाति है वो जरूर निर्णायक भूमिका में रहती है। वह पशु के ऊपर बात है और कुछ नहीं, वोट बीजेपी का देंगे तो पक्के देंगे। हाँ बीजेपी, क्या मुद्दे हैं जो बीजेपी लग रहा है? बीजेपी के हर काम बढ़िया हुआ है, किसान के लिए किसी ने सुविधा नहीं इतनी बीजेपी ने दी, सब सुविधा विकास की का मन आवास की का, और इतने जो सम्मान निधि के पेंशनों की का सम्मान, सब सुविधा सब बीजेपी ने। किसान आंदोलन का कितना असर है वेस्ट यूपी पे? कुछ नहीं, कोई असर नहीं है। गरीबन को चूल्हे दे रहे हैं, काऊ का मकान बनवा रहे हैं, और काय के लिए 500-500 रुपये हवा में दे रहे हैं। आनी चाहिए इसकी सरकार, आनी चाहिए और का। बहुत अच्छा काम कर रही है लड़कियों के लिए, वैसे भी योगी ने बहुत अच्छा काम करा है सरकार को यहाँ यूपी में। तो यूपी में 100 में 100% भाजपा, जब से सरकार आई है पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर भैजोई में 24 घंटे लाइट मिल रही है, सड़कों का नेटवर्क बिछा है, गरीबों के लिए आवास मिल रहे हैं, किसानों के लिए सम्मान निधि मिल रही है, ऐसे बहुत से अगणित कार्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी करेगी। और साइकिल वाले का बीजेपी क्या है भाई, साइकिल वाले का मोदी ने बहुत काम किया है, 2000 रुपए भी आदमी खाते में भेजे हैं। चुनाव मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री के अच्छे, मुख्यमंत्री ने भी काम अच्छे किए हैं, हमारे राजघाट में इतना बड़ा काम किया है आज तक किसी ने किया नहीं है। हमारे योगी साहब आएंगे और कौन आएगा? योगी जी आएंगे कैसे, क्यों, क्या काम किया उन्होंने? उनके बराबर तो कोई कर भी नहीं सकता है। राशन फ्री मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म है, सबकी माता बहन है सड़क पर 12 बजे चली जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, प्रशासन सुस्त है, और क्या लोगे? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी अच्छा काम कर रही है गरीबों के संग में, इसलिए जीतेगी। ये इसे आगे क्यों मुलायम सिंह के बारे में? मुलायम सिंह क्यों लग रहा है? मुलायम सिंह क्यों बेहतर है? बेहतर है क्या? क्या काम अच्छे अखिलेश ने? अगले काम बहुत अच्छे करने और कर आया आया अखिलेश आएगा, बीजेपी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी श्योर। अराजकता खत्म है, और जितने गुंडा माफिया हैं सब ठिकाने पे आ गए। यूपी के चुनाव वाले मूड लग रहा है मायावती सरकार बननी चाहिए। मायावती हाँ जी, क्यों बननी चाहिए, क्या मुद्दे हैं? उसमें खासियत है सब काम टेम्पो होते हैं, सारे काम टेम्पो, आधिकारिक टेम्पो आते हैं, पुलिस विभाग भी काम टेम्पो करती है, उसमें कोई हफला करती नहीं होती कोई। यूपी का बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी दोबारा से, बीजेपी की बनेगी। क्यों ऐसा? अरे सभी काम सही हो रहे हैं बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ जी। क्यों लग रहे हैं? बढ़िया काम कर रही है सरकार एकदम। क्या काम अच्छे लग रहे हैं? सभी घर लग रहे हैं विकास के, रोड के। योगी जी क्यों लग रहा है ऐसा? अच्छा लग रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, और क्या? क्या काम अच्छे लगे? सबको अच्छा लगता है उनका जो भी कार्य कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है। अभी तो देखा जाएगा, अभी क्या है देखा जाएगा। हाँ कैसा काम है योगी का? योगी का बढ़िया काम है, योगी का अच्छा, अखिलेश योगी का बढ़िया है, आनी चाहिए योगी की, अखिलेश की, योगी की आएगी। क्यों लग रहा है चुनाव को लेकर? हम तो बीजेपी के, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी क्यों लग रहा है? बीजेपी अच्छे काम कर रही है, वोट देंगे पीछे बीजेपी को वोट, और कर देंगे। बीजेपी ने अब तक अच्छे ही काम करे हैं और आगे तक अच्छे ही काम करेगी। अच्छा विधायक जो हैं यहाँ के कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया आते हैं क्षेत्र में, आ जाते हैं, और उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है, विधायक जी को तो कोई काम हमारे बढ़िया है। अरे सर हमें तो सब अच्छी है, सब अच्छे और
ये जो योगी ने काम किया कैसा किया है? बढ़िया करूँ हुआ और का काम अच्छा लगा? हमें तो सभी काम अच्छे लगे। और काऊ को गरीबन को चूल्हे दे रहे हैं, काऊ को मकान बनवा रहे हैं और काय के लिए 500-500 रुपये वहाँ में दे रहे हैं। आनी चाहिए इसकी सरकार, आनी चाहिए और का। बीजेपी बढ़िया काम करा है, विकास हुआ है देश का और चोरी चकारी बंद हो गई, ना के समान हो गई। चुनाव को लेकर हर्षोल्लास है, भाजपा की जीत होनी चाहिए, सब भाजपा के लिए तैयार है होने कराने के लिए। अच्छा, क्या काम हुए इस भाजपा की सरकार में जो दोबारा रिपीट करने की बात है? सारे अच्छे काम हुए हैं भाजपा में, जो होना चाहिए था अच्छे अच्छे कार्य किए भाजपा में हुए हैं। पिछली पार्टियों में तो कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं हुआ जिससे उसको गिना जाए, गीत गाया जाए उनका। तो बीजेपी के हैं 100%। बीजेपी के? हाँ, पहले से ही। अच्छा, हाँ। अभी के काम कैसे हैं सरकार के? सही है, सही काम हुआ है। हाँ, हमें तो सही लग रही है। हमारे गांव में तो 95% बीजेपी का है। यूपी का मूड बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है? क्यों है बाबा, क्या काम अच्छे लग रहे हैं? अरे उनका विकास है और हर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं है, इसलिए यूपी में योगी की सरकार बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखो क्या है, क्या पता पड़े मोदी आए कौन आए। ये योगी का काम कैसा है? योगी का काम सही है जी। सही है? हाँ, योगी का अच्छा है, अखिलेश का अच्छा था? योगी का अच्छा है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में, आनी चाहिए दोबारा या अखिलेश की आनी चाहिए? योगी की आएगी जी। तो संभल की चंदौसी विधानसभा सीट का मूड क्या है, क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे और यहाँ के जातीय समीकरण, ये हमने आपको समझाया। अब आइए सीधा आपको लिए चलते हैं अवध और जान लेते हैं कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट का मूड क्या है, क्या है वहाँ के सियासी समीकरण। भोगनीपुर विधानसभा सीट पर हम आ चुके हैं। ये एकमात्र ऐसी सीट है जो कि दूर दूर तक ईंट भट्टों के लिए मशहूर है। इस सीट का एक कस्बा, एकमात्र ऐसा कस्बा है जो कि रेलवे स्टेशन और हाईवे दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन 2022 के लिए यहाँ की जनता अपना मूड किस तरफ बना रही है, किन मुद्दों को तरजीह दे रही है, जानने के लिए सीधा जनता का ही रुख करते हैं। अगले साल चुनाव होने जा रहा है, किस तरफ मूड बन रहा है आपका? योगी अपराध और माफिया जो लोग थे उस पर लगाम आई है। गरीब आदमी बेचारा परेशान हो गया और क्या कहते हैं, जो ढिलिया लिया लगा रहे हम लोग हैं, जैसे पंचर अंचर वाले, अब कहीं लॉकडाउन लगा देते, कहीं कुछ लगा देते, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, छोटे आदमी को परेशानी होती है। 2022 में फिर यही मोदी जी की और योगी जी की आनी चाहिए सरकार। सबसे बड़ी चीज़ माफियाओं का जो हुआ है वो अंत हो गया है। गरीब आदमी, हमको पेट पालन नहीं मिल रहा है, मतलब ना खाने को मिल रहा है, ना मतलब कमाने को मिल रहा है। कमाने का मिलता है तो लॉकडाउन लग जाता है, तो कभी ये हो जाता है तो कभी वो हो जाता है। घरे बैठे पंदा देना, घरे बैठे रहते, का कमाए का खाए। हमें तो मायावती जी पसंद है, महेंद्र कुमारी मायावती जी। इनके कार्यकाल में ये भ्रष्टाचारी नहीं थे। मूड तो सरकार चेंज करना चाहते हैं, हम तो अखिलेश जी को चाह रहे हैं। हमको तो सब अच्छा लग रहा है, जो कार्यक्रम हो रहे हैं सब बढ़िया, इतना पैसा मिल रहा है खेती का और राशन भी मिल रहा है। ये सब लॉकडाउन लगा दिया, हम लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और क्या करें। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 2007 में रामनाथ कोविंद यहां से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। 2017 में यहां से बीजेपी जीती और विनय कटियार विधायक बने। यहां की जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां पर दलित और पिछड़ा वर्ग बड़े तादाद में रहता है और ओबीसी वोटर्स में कुर्मी समाज की यहां पर बहुलता है। कौन अच्छा लग रहा है, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी की कोई और? प्रियंका गांधी। पाया जाएगा मूड, अभी तो नहीं बना कुछ। सरकार ने काफी योजना दी, कॉलोनी दी है और वो पैसा दिया है जमीनों वाला, ये मतलब सब दिए और क्या। योगी जी ठीक लग रहे हैं? हाँ। कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? हाँ योगी जी, जो सही दिखेगा उसी को चुना जाएगा।
क्या क्या समस्याएं रह गई हैं और क्या उम्मीदें हैं, क्या ठीक लगेगा? एजुकेशन अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब काफी हद तक अभी सुधार चाहिए। सियासी समीकरणों को चाहे जितना साध लिया जाए, जातिगत समीकरणों को भी जितना भी सोच लिया जाए, लेकिन जनता तो कहीं ना कहीं मुद्दों को भी तरजीह देती है। 4.5 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में अब जन प्रतिनिधियों का भी रिपोर्ट कार्ड बनना है और सरकार के कामकाज को भी जनता को आंकना है। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता 2022 के चुनाव में किसे चुनती है या अपना मूड बदल लेती है। अब आपको स्टूडियो लिए चलते हैं और जानते हैं कि आज सभी विधानसभा सीटों पर जनता का मूड किन मुद्दों पर बन रहा है। तो आइए चलिए अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी यूपी में अगर मुद्दे देखे जाएं तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर जनता वोट करेगी या वो हावी रहेंगे। पहली चीज आवारा पशु। आवारा पशुओं को लेकर चंदौसी संभल में लोगों का मूड खराब है, लोग परेशान हैं। क्राइम कंट्रोल, हालांकि क्राइम कंट्रोल ने लोगों का मूड अच्छा बनाया, कहते हैं कि माहौल अच्छा है, कानून व्यवस्था ठीक लग रही है। महिलाओं की सुरक्षा, इसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर लोगों का मूड अच्छा दिखाई दिया। ये हम बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। लेकिन अगर आप पूर्वांचल आते हैं, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट पर मुद्दों की बात करते हैं, तो पहली चीज यहाँ दिखाई देती है वो है विधायक से नाराजगी। भाई लोगों का मूड खराब हो जाता है जब विधायक के कामकाज के बारे में आप पूछ लेते हैं। उसके बाद बात आती है बेरोजगारी, ये भी ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों का मूड इतना अच्छा नहीं है, वो लोग परेशान दिखे। विकास, हालांकि विकास को लेकर लोगों की राय बटी हुई है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है उनका मूड ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हमारा मूड खराब हो जाता है। आइए अवध में, अवध की जब आप बात करते हैं तो कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट के मुद्दे कुछ ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि जब लॉकडाउन से नुकसान हुआ, कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा तो इतना वक्त बीत गया और अब लोगों को लगता है कि उसका खामियाजा अभी तक वहां के लोग भुगत रहे हैं। दूसरी चीज महंगाई, महंगाई यानी रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं उनकी कीमतों में जिस तरीके का उछाल है वो लोगों का मूड बिगाड़ रहा है, ये साफ तौर पे दिखाई दिया। ठीक इसी तरह से बेरोजगारी की भी जब आप बात करते हैं तो ये वो मुद्दा है जिसने लोगों का मूड काफी खराब करके रखा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हमने जब जमीन पर जाकर टटोलने की कोशिश की लोगों का मन तो हमारे सामने आए। तो यूपी का मूड क्या है जब एबीपी की गंगा की टीम, चुनावी टीम हर विधानसभा सीट पर पहुंच रही है, गांव गांव गली गली लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ सामने आ रहा है आपके सामने रख रहे हैं। अगले एपिसोड की अगर हम बात करते हैं तो हमारी टीम आपको दिखाएगी कि गोंडा के मेहनौन सीट पर सियासी माहौल कैसा है, साथ ही आप जानेंगे कि बिजनौर की नगीना सीट पर कौन बाजी मार सकता है और गोरखपुर के खजनी विधानसभा क्षेत्र से भी जरूर देखिएगा कि जनता का मूड क्या है।